Please welcome Mr. Anil Kumar Rajak on stage. दोस्तों नमस्कार। और दोस्तों मेरा जीवन भी वहीं से शुरुआत हुआ है जहां से आपकी शुरुआत होती है, वही गरीबी भरी दुनिया जहां पर 80% लोग अपना जीवन यापन करते हैं, कंप्रोमाइज़ भरी ज़िंदगी जीते हैं, वहीं से मैं उठ के आया हूं। और मैं थैंक गॉड करना चाहूंगा उस व्यक्ति का जिन्होंने मुझे एक ऐसा रास्ता दिया जहां से मेरी ज़िंदगी के अंदर बदलाव आया। दोस्तों आज जो भी मैं हूं यहां पर उस इंसान की बदौलत हूं। अगर वो इंसान मुझे ये चीज़ ना बताया होता तो आज मैं उसी दुनिया के अंदर होता जहां पर हर एक चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ लोग करते हैं, समझौता करते हैं। दोस्तों मैं आज बहुत खुश हूं इस बात को लेकर के कि आज जो मेरा जीवन है ऐसे लोगों के हाथ में है, ऐसे दमदार लोगों के हाथ में, ऐसे मजबूत लोगों के हाथ में है। मैं आपको बात करूं तो वो बहुत ही जोशीले लोग हैं, बहुत ही दमदार आदमी हैं। इस बात को मुझे बहुत खुशी है कि मेरा जीवन धन्य है, मैं सफल हो जाऊंगा, 100% मेरी गारंटी है। दोस्तों थोड़ी सी अचीवमेंट की बात मैं जरूर बताऊंगा। अचीवमेंट की बात करें तो इस बिजनेस के बाद जब मैं इस बिजनेस में नहीं था तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी भी चीज़ें मेरे साथ हो सकती हैं। लेकिन मैं बार बार नमन करना चाहूँगा, मैं कह सकता हूँ कि मैं जिंदगी भर मेरा फैमिली उनका पूजा जरूर करेगा जिन्होंने एक ऐसे महान कंपनी का जन्म दिया हमारे डायरेक्टर्स का। अगर आज ये कंपनी ना होती तो शायद आज हम सब यहाँ पर ना होते। और मैं लाख लाख धन्यवाद करना चाहूँगा, मैं नमन करना चाहूँगा उस सपोर्ट सिस्टम इवॉल्व इंडिया जिनका नाम ले लेने से अंदर से एक शक्ति मिलती है, अंदर की आत्मा ये बोल सकती है कि नहीं अनिल तू जरूर कामयाब होगा। वो हमारे ग्रेट मेंटर फाउंडर्स हर्ष सर और दीपक सर, और मैं चाहूँगा कि जोरदार क्लैपिंग हो जाए सर के लिए। और दोस्तों आज यहाँ पर जो मैं कुछ बोल रहा हूँ, जो भी कुछ मेरे पास है, बस एक परवरिश का नतीजा है, और उस परवरिश का नाम है ट्रिपल जे परिवार। ट्रिपल जे परिवार जिनके हमारे फाउंडर्स हैं हमारे डॉक्टर विजय सर, हमारे महागुरु श्याम सर, और मैं चाहूंगा कि इन सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। दोस्तों अचीवमेंट मैं जरूर बताऊंगा। अचीवमेंट मेरी पहली ये है कि आज मेरे पास जो नेटवर्क है वो 6000 से ज्यादा की है, 11 लाख का घर और प्लस 16 लाख की कार ला के खड़ी कर जाऊं। दोस्तों मैं कुछ शब्द बोलूंगा, इसके बाद मैं अपने बारे में विराम दूंगा कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखते हो, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखते हो, पंख को खोलो जवाना उड़ान देखती है। दोस्तों मेरा संकल्प है कि नेक्स्ट में जब भी आऊंगा तो डायमंड बन के आऊंगा और अपने साथ दो रूबी को जरूर लेके आऊंगा। सो थैंक्स, गो डायमंड।